क्राइम रिपोर्टर इमरान खान। इस टाइम नवाबगंज न्यू पीएनबी बैंक के सामने गुड़ियाने टोले में खड़ा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गुड़ियाने टोले की एक दरगाह है जहाँ पे दरगाह शरीफ है और यहाँ के एरिया का ये हाल है कि यहाँ पे कोई भी कर्मचारी परमानेंट फिक्स नहीं है और किसी भी तरह का कोई यहाँ पे कोई देख रेख साफ सफाई नहीं होती है। महीनों गंदगी पड़ी रहती है जिसको मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी गंदगी का ये आलम है और यहाँ की नालियों साफ सफाई नहीं होती हैं और इसमें आए दिन मतलब किसी न किसी की तरह गंदगी से लोग बीमार हुआ करते हैं, बच्चे बीमार पड़ा करते हैं और यहाँ की नाली का ये आलम है कि यहाँ से ये देखिए इतनी नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं होती है और ये हाल यहीं का नहीं पूरे गुड़ियाने का और नुनियारे का अंदर की गलियों का यही हाल है कि नालियाँ भरी रहती, यहाँ कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है और कोरोना बीमारी को देखते हुए इतनी महामारी मची हुई है। मोदी जी योगी जी का आदेश है कि सब लोग 20 सेकंड तक के साबुन से हाथ धोएं, लेकिन इन नालियों का कौन क्या करेगा जो कि महीनों साफ सफाई नहीं होती है। इन सब चीज़ों को गौर करते हुए कृपया नगर आयुक्त जी को सख्त दिशा निर्देश दिया जाए कि संबंधित नवाबगंज क्षेत्र के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाए कि शीघ्र यहाँ की साफ़ सफाई करवाई जाए और बाकी यहाँ की जनता से भी आप लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है। कभी कदार एक हफ्ते 10 दिन में कभी अगर दिखता जमादार वो भी इधर उधर मारता है और चला जाता है, कभी भी इस तरह की सफाई नहीं होती। गंदी का ये आ रहा है कि यहाँ कीड़े पड़े हुए नालियों में, इतनी गंदी नाली है जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ मलिन बस्ती के गरीब लोग रहते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है किसी प्रकार की, जो आता है अपना मुंह बजा के चला जाता है। ये हमारे एक गुड़ियाने टोले एक निवासी ने ये बात बोली है, यहाँ पे क्या साफ सफाई होती है, कर्मचारी आता है नहीं, मतलब कभी आता है सफाई करने आता है, कहाँ आता, वो कभी 12 दिन में 15 दिन में आया तो आता नहीं है, मतलब अपने आप आता है कि उसको कोई बुलाने जाता है, कोई बुलाने जाता है जब लोग कहते हैं तब आता वो, ऐसे कोई सुना नहीं होती है। अच्छा और ठीक है, आप बताइए यहाँ का क्या, बुलाने पे आता है तो आता ही नहीं कभी। अच्छा और यहाँ मच्छर का क्या है, बहुत हालत खराब है, ना सैनिटाइज होती है कभी। अच्छा कभी गली सैनिटाइज, अच्छा अच्छा की दवा वगैरह डाली जाती है, कभी नहीं डाली जाती, बुलाने पे होता सबका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारे जिस इलाके गुड़ियाने में हम खड़े हैं यहाँ के लोगों का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साफ सफाई नहीं होती है और गंदगी नालियों में भरी रहती है। यहाँ के निवासियों से और आप लोगों की बात कराते हैं जिसको आप दे सकते हैं, ये यहाँ पे क्या साफ सफाई होती है, नहीं होती है, हम लोग जा जाके बुला के लाते जब भी नहीं आता कूड़े वाला, नहीं आता साफ सफाई, नहीं आता। अच्छा अच्छा ठीक, ये यहाँ पे पीने वाला लोग पूरी जनता पानी भरती, इलाके में पानी नहीं, उसके बाद भी गंदगी के बगल से लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, गंदा पानी आता है गंदगी की वजह से, सफाई नहीं हो पाती है। और आगे आइए, आपको और दिखाते हैं कि यहाँ का नालियों का कितना बुरा हाल है जो महीनों के हिसाब से भी सफा नहीं हो पाती है। इन चीज़ों को गौर करते हुए कृपया मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री, ये देखिए यहाँ की नालियों का ये हाल है, ये देखिए यहाँ पे कोई साफ, यहाँ पे क्या साफ सफाई जमादार आता है, अरे भैया तो बुलाओ तब भी नहीं आओ है, हाँ कभी नहीं आता, नहीं आता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बुलवा दें, ठीक नाली बना दे, बुलवा दें नाली बना दें ठीक है। और नालियों को दिखाइए कहाँ तक सफाई नहीं होती, यहाँ क्या कर्मचारी आता है, कब मतलब कभी भी नहीं आता, आते हैं मगर बहुत कम आते हैं, बुलाया जाता है कि अपना बात, हाँ, नहीं बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये यहाँ की जनता का ये हाल है कि जगह जगह नाली, अब कोरोना बीमारी को देखते हुए लोग अपने घरों की सफाई करें कि हाथों की सफाई करें या क्षेत्रीय गलियों की नालियों की सफाई करें।